छोटा सा प्रश्न है, जीवन मुक्त पुरुष का जब शरीर शांत होता है, छूटता है, तब जीव शरीर से बाहर निकलता है या नहीं निकलता है? जीव का शरीर में रहते रहते किसी की मौत देखे हो क्या? जीव शरीर में रह रहे भी और मौत हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। शरीर तो तभी शांत होता है जब जीव शरीर से निकलता है। बिना शरीर से जीव निकले, मतलब जीव और शरीर का अलग अलग हुए, शरीर शांत कैसे होगा? तो चाहे सामान्य आदमी हो, चाहे जीवन मुक्त आदमी हो, शरीर तभी शांत होगा जब उसमें से जीव अलग हो जाएगा। जब शरीर छूटा तब गुरुदेव जी स्वरूप लीन हुए या उसके पहले भी स्वरूप में लीन रहते थे? किसी महापुरुष के लिए जो विवेक वैराग्यवान हैं, जिनका जीवन विवेक और वैराग्य से परिपूर्ण रहा है, जिन्होंने शरीर में रहते रहते शरीर और संसार दोनों की आसक्ति का पूर्णतः त्याग कर दिया है, वे शरीर में रहते रहते भी स्वरूप लीन है। स्वरूप लीन कहो, आत्मलीन कहो, अन्य लोग ब्रह्मलीन शब्द का प्रयोग करते हैं। आत्मलीन, स्वरूप लीन, ब्रह्मलीन सब एक ही जैसे शब्द हैं, एक ही भाव को व्यक्त करने वाले। लेकिन शरीर में रहने वाले, जिनका शरीर जीवित है, वो कितना भी बड़ा वैराग्यवान क्यों ना हो, उसके लिए स्वरूपलीन, आत्मलीन या ब्रह्मलीन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। शरीर छूटने पर ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वर्गवास शब्द है, बैकुंठवास, स्वर्गवास बैकुंठवास, दोनों का भाव एक ही है। अनेक बार स्वर्ग और बैकुंठ की व्याख्या की गई है, गुरुदेव जी करते रहना, संत लोग करते रहते हैं। बैकुंठ का अर्थ ही होता है कुंठा रहित मन। कुंठा शब्द है जिसमें वि उपसर्ग लग जाता है तो विकुंठ होता है, और विकुंठ को ही कहते कहते बैकुंठ हो जाता है। अनेक प्रकार की कुंठाएं मन में हुआ करती है। जब विवेक से, समझदारी से काम लिए
और मन की सारी कुंठाएं समाप्त हो गई, सारी ग्रंथियां मन की कट गई, तो वैकुंठवास हो गया। वैकुंठ का मतलब है मन में कोई गांठ न रहना, किसी प्रकार की कोई कुंठा न रह जाना, त्रास न रह जाना, पीड़ा न रह जाना। तो जिसके मन की सारी गांठें खुल गई, कोई गांठ नहीं, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा आदि के लोमो अंतम तक कोई गांठ नहीं, जीते जी वो बैकुंठ में निवास कर रहा है, उसका जीते जी बैकुंठवास हो रहा है। लेकिन जीवित व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई भी हो, ये नहीं कहा जाएगा कि वो बैकुंठवासी है। बैकुंठवास या बैकुंठवासी शब्द का प्रयोग जिनका शरीर शांत हो चुका है उनके लिए ही प्रयुक्त होता है। जिसके मन में सबके लिए प्रेम है, जिसका मन हर समय आनंद सुख और शांति से सारा बोर है, जिसके मन का सारा दुख समाप्त हो गया है, कोई दुखी नहीं है। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? सुख सुख सुख, केवल सुख। जिन्होंने सारी चाहनाएं छोड़ दी है, सारी अंतमता का त्याग कर दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, जो बाहर से लौट कर अपने आप में स्थित है, मतलब जिसका मन बहिर्मुखता से हटकर अंतर्मुख हो चुका है, जिसके मन में कोई विकार नहीं आता, वो समझो मतलब स्वर्ग में निवास है। स्वर्ग का मतलब ही होता है सुख। तो जिसके मन का दुख समाप्त हो गया है, जिसके मन से संसार की ममता मिट चुकी है, जिसका मन पूरी तरह से अंतर्मुख हो चुका है, वो आज स्वर्ग में निवास कर रहा है। स्वर्ग का अर्थ ही होता है स्व की तरफ गमन। स्व ग, ये दो पद है अलग अलग, जब संधि की जाती है दोनों की, तो स्व में जो विसर्ग है रेफ बन करके ग में लग जाता है। विसर्ग संधि पढ़े होंगे तो स्वर्ग, स्वर्ग खुद स्वयं, ग गमन लौटना, अपनी तरफ लौटना, रिटर्न टू सेल्फ, ये स्वर्ग है। तो जिसका मन बाहर नहीं भटकता, शांत अपने आप में, भीतर जिसके आनंद की धारा बह रही है, आज स्वर्ग में निवास कर रहा है। लेकिन जब तक वो जीवित है तब तक उसके लिए नहीं कहा जाएगा कि वो आदमी स्वर्गवासी है। स्वर्गवासी शब्द का प्रयोग जिनका शरीर शांत हो गया उन्हें के लिए, चाहे स्वर्गवासी का हो चाहे बैकुंठवासी का। वैसे परंपरा में हम किसी भी व्यक्ति को कह देते हैं कि अमुक आदमी का स्वर्गवास हो गया, अमुक आदमी का बैकुंठवास हो गया, ये एक परंपरा में है, शिष्टाचार है। जो आज जीते जी नरक में निवास कर रहा, जिसका मन राग द्वेष घृणा मोह माया ईर्ष्या द्वेष छल कपट में भरा हुआ था, मरने पश्चात तुरंत ही स्वर्गवास कैसे हो जाएगा उसको? लेकिन शिष्टाचार वश कहा जाता है। असली स्वर्गवास तो जीते जी होता है। जब कोई दुख नहीं मन में, कोई पीड़ा नहीं, सारी ग्रंथियां कटी हुई है, मन बिल्कुल निर्मल निर्विकार
निष्काम अनासक्त निर्मोह निर्लोभ है, बस यह वैकुंठ वास है। ऐसे ही जिन्होंने शरीर में रहते रहते शरीर की आसक्ति का त्याग कर दिया, शरीर से अपने को अलग कर लिया, है शरीर में लेकिन, और जब तक शरीर है तब तक विवेक पूर्वक जो शरीर का व्यवहार करता है, खान पान आदि रखता है, निर्वाह करता है, लेकिन शरीर के लिए जिसके मन में कोई ममता नहीं रह जाती, वो आस्वर्गवास, वो आस्वरूपलीन है, उसे स्वरूपलीन कहो, आत्मलीन कहो, ब्रह्मलीन कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जीवित के लिए प्रयोग नहीं होगा। ये सब एक, हर शब्द की अपनी एक मर्यादा है, इसलिए कोई कितना बड़ा वैराग्यवान संत होना क्यों ना हो, शरीर शांत होने पर ही कहा जाएगा स्वरूप लीन, जीते जी नहीं कहा जाता है, शिष्टाचार कहो, मर्यादा कहो, आदर कहो, कुछ भी कहो। इसलिए चाहे गुरुदेव के लिए कहो, चाहे किसी के लिए कहो, वो पहले से भी ऐसे जो संत है सब स्वरूप लीन थे। जहां तक हमारी समझ है, पारक सिद्धांत में किसी वैराग्यवान संत के लिए जो जीवन मुक्त भी रहे हैं, उनका शरीर छूटने पर स्वरूपलीन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। पहली बार गुरुदेव जी ने सदगुरु श्री विशाल साहब के लिए शब्द का प्रयोग किया, उसके पहले और होगा तो जहां तक मेरा ख्याल है कोई ऐसा पढ़ने में आता नहीं है, जितने पारखी संत हैं उनका इतिहास पढ़ो तब। तो पहली बार गुरुदेव जी ने सदगुरु विशाल साहब के लिए शब्द का प्रयोग किया स्वरूपलीन, वो पहले भी स्वरूपलीन थे, निंदा प्रशंसा से ऊपर। सदगुरु श्री विशाल साहब एकांत में रहते थे, गांव से अलग हट करके बाग में या एकांत जगह में उनके लिए एक झोपड़ी या कुटी बना दी जाती थी, वहाँ वो रहते थे, उनकी सेवा में दो तीन संत रह लेते थे अलग, उसी से लगा हो, और वो कहीं पर एक महीना, कहीं दो महीना, चार महीना, छः छः महीना तक एक ही जगह रहते थे, जीवन को उत्तरार्ध में। तो एक बार वो उन्हें कहीं जहाँ जहाँ वे रुके थे वहां से दूसरी जगह जाना था, तो रास्ते में एक संत का आश्रम पड़ता था। उस संत ने श्री विशाल साहब जी से कहा, गुरुदेव आप यहां से अमुक जगह जा रहे हैं तो रास्ते में ही मेरी छोटी कुटिया है, उसमें आप पधारे, एक दो दिन वहां पर रहने, मुझे दर्शन दे। श्री विशाल साहब ने कहा ठीक है, उसी रास्ते जाना है, रुक जाऊंगा। जब जाने का समय हुआ तो एक दिन पहले श्री विशाल साहब ने अपने संत को भेजा, जाओ तुम थोड़ा पहले जाओ, दिन वो अकेले हैं, उनका थोड़ा सहयोग कर देना साफ सफाई व्यवस्था आदि में। वे संत गए, रहा। जब रात हुई तो जिनके यहाँ श्री विशाल साहब को जाना था, जिन्होंने बुलाया था,
जिस संत को श्री विशाल साहब ने भेजा था उनसे रात भर श्री विशाल साहब की बुराई करते रहे। वो ऐसे थे, वैसे हैं, ये दोस्त है, वो दोस्त है, ऐसा अब बुराई करते रहे। श्री विशाल साहब ने जिस संत को भेजा था वो चुपचाप सुनते रहे, क्या कहे उसको। सुबह हुई तो लौट कर आए और कहे, साहब वो तो रात भर आपकी बुराइये करते रह गए, तमाम गलतियां आपको बता रहे थे, वहां तो कुछ समझ नहीं आ जाना करिए। तो श्री विशाल साहब ने कहा, भैया ऐसी बात है, हमारी इतनी बुराई ही करते रह जाते हैं, उनको हमारे यहां से तकलीफ है तो नहीं जाएंगे, उनके यहां सीधे चले जाएंगे। तो उस संत को पता चला जो बुला रहे थे, दौड़े दौड़े आए, बंदी छोर अब हमारे यहाँ पधारे हैं, अब नहीं ठीक है। तो श्री विशाल साहब ने कहा, अब हमारे जाने से तुमको तकलीफ होगी, दुख होगा, तो क्यों जाए तुम्हारे यहाँ। तो उसने कहा, नहीं बंदी छोर, आपके न जाने से हमें दुख होगा, अच्छा भाई तो चलेंगे, मतलब निंदा प्रसंग से दोनों बड़ा, ये जीवन शरीर रहते रहते शरीर कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा ही स्वरूप लीन में है। गुरुदेव जी बताते थे, जब कोई श्री विशाल साहब से कहते थे, साहेब अमुक भगत या अमुक साधु आपकी खूब निंदा बुराई कर रहे थे, तो श्री विशाल साहब कहते थे, हाँ तो इनमें कोनो लाभ होगा उनको, बस खत्म, बुराई कर रहे थे तो उनको कोई लाभ होगा, इसलिए बुराई कर रहे, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं, उनको कोई लाभ होगा बुराई करने में, खत्म मामला, तो उनको कौन बांध सकता है, जीते जी स्वरूप में लीन है वो, देह भाव से ऊपर, जितना हमारा मन इस शरीर भाव में डूबा रहेगा, हम अपने आप को जितना शरीर से जोड़ करके रखेंगे, मैं शरीर हूं यह भाव मन में बना रहेगा, निंदा उतनी परेशान करेगी और प्रशंसा उतनी उतना ही आनंदित करेगी। और जितना जितना शरीर का मोह घटता जाएगा, आत्मभाव में मन टिकता जाएगा, उतना उतना निंदा से दुख कम होगा, प्रशंसा से सुख कम, आनंद कम होगा। निंदा किसकी होती है या प्रशंसा किसकी होती है, शरीर की या शरीर में, शरीर के लिए जो ब्याह चलाने को एक नाम रखा गया है, अमुक नाम, उस नाम को लेकर निंदा की जाती है, उस नाम को लेकर प्रशंसा की जाती है। और नाम है क्या, व्यवहार चलाने के लिए नाम रखा जाता है, नाम अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना नाम के काम नहीं चलेगा। यहां जितने भी लोग बैठे हैं उन सब का एक एक नाम है, पहचान क्या है नाम आपका, अमुक नाम के हैं, कोई लिखा है माथे पर, या कोई पहचान है, कोई पहचान नहीं है। कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाए यहाँ पर, नाम बताएगा उसका, देखिए इस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का नाम, सुनेगा तब पता चलेगा, लेकिन बिना नाम के काम चलेगा भी नहीं। हमने कहा बुला ला या ले आ, तो किसको बुलाएगा वो, क्या चीज ले लेकर के आएगा वह,
इसलिए नाम रखा जाता भाई अमुक को बुला लो, ये थोड़ा समय के लिए पहचान है वह। और नाम बदलता रहता है। यहां जितने साधु बैठे हैं इनमें से अधिकतम लोगों का नाम बदल चुका है। पहले घर में कुछ और नाम था, जब साधु वेश हुआ तो कुछ और नाम हो गया। तो क्या वो व्यक्ति बदल गया? एक व्यक्ति है, एक हिंदू के घर उसका जन्म हुआ, एक नाम रखा गया, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, कुछ हुआ उसको, किसी कारणवश वह हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान धर्म अपना लिया, तो क्या होगा? नाम तो बदल जाएगा। यहां नाम दूसरा था, वहां नाम दूसरा हो जाएगा। कुछ दिन तक वो मुसलमान होकर के जी रहा था, बाद में उसे किसी ईसाई लड़की से प्रेम हो गया, ईसाई लड़के से प्रेम हो शादी कर लिया, ईसाई बन गया, अब नाम फिर बदल गया। तो क्या बदला? वो व्यक्ति में क्या परिवर्तन आया? उसका हाथ पैर आंख नाक कान क्या बदला उसका? क्यों उस व्यक्ति का मन बदल गया? पहले हिंदू था तो ज्यादा क्रोधी था, ज्यादा कामी लोभी था, मुसलमान में कम हो गया, मुसलमान में इतना कामी क्रोधी लोभी था, ईसाई होकर कम हो गया, ईसाई हिंदू बन गया तो कम हो गया। कुछ तो नहीं बदलेगा, न शरीर बदलेगा न मन बदलेगा, नाम बदला। और नाम भी क्यों? एक व्यवहार के लिए। हिंदू परंपरा में नाम अलग है, मुस्लिम परंपरा में नाम अलग ढंग से रखे जाते हैं, ईसाई परंपरा में नाम अलग ढंग से रखे जाते हैं। तो नाम अपने आप में कुछ भी नहीं है, किंतु बिना नाम के संसार का व्यवहार नहीं चल सकता है। मनुष्यों का व्यवहार, जानवरों का व्यवहार चलेगा, जानवरों का कहाँ नाम है? हम नाम रखते हैं, ये गाय है, ये घोड़ा है, गधा है, जानवरों को पता ही नहीं चलता है। उस नाम के लिए हमारे मन में एक प्रीता हो जाती है, तादात्म्यता हो जाती है, और उस नाम से हम इतने अपने को इतना जोड़ लेते हैं, इतना जोड़ लेते हैं कि क्या कहा जाए। फिर उस नाम के बारे में जरा सा भी गलत बात सुनने में आए, दुखी, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, अब परेशान। हो सकता है उसी नाम के किसी भिन्न व्यक्ति के बारे में वो कह रहा हो, क्योंकि एक ही नाम के तो अनेक व्यक्ति होते हैं ना। ऐसा तो नहीं भी कि जिस व्यक्ति जो नाम एक व्यक्ति का है दुनिया में वो नाम किसी और व्यक्ति का नहीं होगा, उसी नाम के सैकड़ों व्यक्ति हो सकते हैं, और उनमें से किसी व्यक्ति की वो आलोचना कर रहा होगा, लेकिन हमने सुना, अरे हमारा नाम लेकर गए, अब हम दुखी हो गए, अपने को जोड़ लिए। जो हमारा नाम है उस नाम के अन्य व्यक्ति की प्रशंसा हो रही है, हमने सुना तो मान लिया कि वाह मेरी प्रशंसा हो रही है, जब प्रशंसा मेरी नहीं हो रही, मेरे नाम के किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा हो रही है, लेकिन हम अपने को जोड़ते हैं। क्यों? शरीर प्रति अत्यंत मोह बना हुआ है इसलिए, और नाम से भी जोड़ लिया। तो शरीर प्रति शरीर है, जब तक प्रारब्ध कर्म है, उस प्रारब्ध कर्म का भाग्य कहो, विधि का लेख कहो, जो भी मान लो, जब तक है इस शरीर की व्यवस्था मजबूरी है,
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यवस्था करते हुए भी यदि विवेक द्वारा अपने को अलग कर लिया गया तब निंदा प्रशंसा में द्वंद नहीं होगा, मन आंदोलित नहीं होगा। और जितना हम शरीर से जोड़ेंगे अपने आप को, जितना हम शरीर मानेंगे उतना सम्मान की भूख बढ़ेगी। हमारा सम्मान हाँ जब होता है, कहें कहीं किसी ने कोई दान किया, किसी की सेवा की, कोई अच्छा काम किया, सबका नाम पुकारा गया और उस व्यक्ति का नाम नहीं पुकारा गया तो दुखी हो गया, मेरा तो नाम भी नहीं लिया, आप हैं कौन? यही ही शरीर में तमाम महात्मा लोग, तमाम नेता लोग हमारा नाम फैले, हमारा नाम अपने अपने नाम को फैलाने के लिए क्या क्या करते हैं। क्यों? भयंकर देहाभिमान। साधु हो गए, साधु होने के बाद घर छोड़ देना सरल है, घर छोड़ने में क्या लगता है? किंतु ये सम्मान का मुंह, प्रतिष्ठा का मुंह, मान बड़ाई का मुंह, ये छोड़ना बड़ा कठिन होता है। माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, जिह माने मुनिवर ठगे, सो मान सबन को खाए। सद्गुरु कबीर कहते हैं तुमने माया छोड़ दी, घर द्वार जमीन जायदाद पुत्र परिवार बाल बच्चे ये सब मान लो संसारी जो ऐश्वर्य है ये सब माया है, इनका तुमने त्याग कर दिया। साहब कहते हैं इनको छोड़ने से क्या हुआ, जब मान नहीं छूटा तुम्हारे मन से, एक तो इनका अहंकार नहीं छूटा त्याग का, और दूसरी बात सम्मान की भावना नहीं छूटी, सम्मान की भूख नहीं मिटी, तो तुमने त्याग क्या? सम्मान की भूख भयंकर बंधन है। जो कहा जाता है काम भोग की क्रिया, वासना काम वासना भव बंधन में भटकाने का कारण होता है। ये काम वासना जितना भटकाती है ना, जितना बंधन है उससे 50 गुना बंधन है सम्मान की वासना। साधु लोग तो काम वासना का त्याग कर दे बाहर से, सम्मान की वासना कहाँ छूटा छूटी वो। साधुओं के लिए भयंकर बंधन है ये सम्मान की वासना, सम्मान की चाहना। मूल में क्या है? देहाभिमान। जितना देहाभिमान होगा, मैं शरीर हूं ये भाव होगा, चाहे स्त्री के लिए मन में हो चाहे पुरुष के मन में हो, मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा स्वरूप है, जितना ये भाव मन पुष्ट होगा उतनी काम वासना होगी और उतना ही सम्मान वासना होगी। अपने को शरीर से जोड़े बिना न काम की वासना होगी न सम्मान की वासना होगी। और जिसने विवेक द्वारा
अपने शरीर के मोह का त्याग कर दिया पूरा पूरा। शरीर में है किंतु शरीर में रहते रहते शरीर की आसक्ति का त्याग कर दिया बिल्कुल। समझ लिया कि शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है, हाड़ मांस का ढांचा है, मल मूत्र का पिटारा है। अच्छी तरह से सारी बातें मन में बैठ गई, अपने शरीर का शरीर के मोह का त्याग कर दिया, उसके शरीर उसके मन में न काम वासना आएगी न सम्मान वासना आएगी और वो किसी के लिए मोह नहीं कर सकता। पहले अपने शरीर के लिए मोह होता है तब दूसरे शरीर के लिए मोह होता है। अपने शरीर के लिए मोह हुए बिना दूसरे शरीर में मोह हो ही नहीं सकता। ये नियम है, चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, उसकी आसक्ति छोड़ना है तो पहले अपने शरीर की आसक्ति को छोड़ो। अपने शरीर की आसक्ति नहीं मिटी तो पराय शरीर की आसक्ति मिटेगी नहीं, मन उधर दौड़ता ही रहेगा। सबसे बड़ा बंधन शरीर के प्रति मैं बुद्धि। इसीलिए कहा गया है इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। सबसे बड़ा पाप, दुख का मूल कारण, जहां से सारे दुख पैदा होते हैं, वह है मैं शरीर हूं यह भाव। शरीर तो है लेकिन शरीर से आत्मा को जोड़ लिए। क्यों जोड़ लिए? मकान में हम रहते हैं लेकिन मकान में रहते हुए कभी यह भाव नहीं आता है कि मैं मकान हूं। हमेशा मन में रहता है कि मकान अलग है, मैं अलग हूं। ऐसे हर चीज के लिए, किंतु शरीर के लिए यह बुद्धि नहीं रह जाती। कारण यह है, जैसा हम मानते हैं कि जीव अनादिकाल के समय में कभी भी बिना शरीर के नहीं रहा है। कीड़े मकोड़े को माता पिता कहाँ मिलते हैं, पति पत्नी कहाँ है उनका, पशु पक्षी का पति पत्नी और माता पिता बेटा बहू भाई उनका परिवार कहाँ है, पशु पक्षियों के लिए पशु पक्षी का मकान कहाँ है, कुछ भी नहीं है। अनेक बार ऐसा अवसर आया कि माँ जन्म दी चली गई, पता नहीं है कौन माँ कौन पिता, कौन भाई कौन बंधु, मकान तो है नहीं, रुपया पैसा तो है नहीं, किंतु चाहे कीड़े मकोड़े की खानी में जाओ, चाहे पक्षी खानी में जाओ, चाहे पशु खानी में जाओ, चाहे मनुष्य खानी में जाओ, शरीर तो हर जगह मिलेगा ना। कीड़े को भी अपना खानी है, कीड़े का भी शरीर है। उस कीड़े को भी अपने शरीर के लिए बहुत मोह है, उसे भी मौत का डर है। हर खाने में शरीर मिला जीव को, बिना शरीर के जीव कभी रहा ही नहीं है। इसलिए शरीर में रहते रहते शरीर के प्रति मैं बुद्धि हो गई, आत्मबुद्धि खत्म हो गई। इसीलिए सम्मान की भावना आती है, इसलिए होता है कि मेरी प्रशंसा लोग करें, मेरा सम्मान हो, मेरी पूजा हो। और जितनी पूजा की बात आएगी, जितना सम्मान की बात आएगी,
उतना बंधन रहेगा, उतना दुख रहेगा, उतनी पीड़ा रहेगी, तो फिर तमाम छल छदम हो जाएगा, सब कुछ होगा। इसीलिए कहने वाला कहता है कि इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, इस शरीर को मैं मानना ये सबसे बड़ा पाप का कारण है, और सारे पाप यहीं से पैदा होते हैं। तो कोई तर्क कर सकता है, शरीर जब मैं नहीं हूं तो शरीर व्यवस्था करना छोड़ दो, व्यवस्था करनी पड़ी, शरीर तो जब छूटे फिर शरीर कमजोर हो जाएगा, दूसरे का अधीन हो जाना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। फिर जो काम करना चाहिए इस शरीर के माध्यम से, जो काम होना चाहिए सेवा और साधना का, हम खाना पीना छोड़ देंगे तो न सेवा बनेगी न साधना बनेगी, न तो भौतिक विकास में कोई हमारा योगदान हो सकेगा, न आत्मिक विकास को हम ही कर पाएंगे। इसलिए इस शरीर की व्यवस्था करना होता है जीवन मुक्त से जीवन मुक्त पुरुष को। बात यह है, शरीर में रहना गलत नहीं है, शरीर का मोह कर देना वो गलत है। शरीर में रहो, अपने आप छूट जाएगा, उसके लिए करना कुछ नहीं पड़ेगा। अब शरीर में रहते रहते शरीर से अपने को अलग कैसे करें, ये समझने की बात है। इसी के लिए उदाहरण दिया जाता है नारियल का, एकदम बहुत बढ़िया उदाहरण है। नारियल के पेड़ में पहले फूल आते हैं, फूल बाद में थोड़ा फिर वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, छोटा रहेगा फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा तो क्या होगा, जितना बड़ा होता जाएगा उसके अंदर नेचुरल रूप से पानी भरता चला जाता है। बड़ा होता गया, पानी भरता गया, पानी भरता गया, फिर एक समय ऐसा आता है जब पूरा पानी भर गया, पानी भरना बंद, फिर क्या होगा, समय बीतता जाएगा वो पानी सूखता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। और जब पानी गाढ़ा होता जाएगा तो नारियल के नारियल में ऑटोमेटिक ऊपर से एक छिलका बनता है मजबूत, जिसे आप छत्तीसगढ़ी भाषा में खतोली कहते हो, वो बना एकदम। नए नारियल को तोड़ोगे तो उसमें ना रेशा बराबर है ना उसमें जो छिलका है वो बराबर है, लेकिन जब बन गया तो उसमें छिलका बना। फिर क्या होगा, पानी सूखेगा तो छिलके में मलाई की परत जमना शुरू होगा, सूखता जाएगा पानी, मलाई की परत जमती चली जाएगी, फिर जमते जमते एक मोटी परत अपने आप जम जाती है, फिर भी पानी रहता है। अब वो पानी मीठा हो जाता है, फिर पानी तो है उस नारियल में अंदर है, जब एक गरी बन गई है, नारियल फल बन चुका है, उतना मीठा नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वो जो गरी बनी हुई है अंदर छिलके से वो गरी चिपकी हुई है, क्योंकि ना वो कच्चापन है उसमें। उसी में रहते रहते अंदर का पानी सूखता गया, सूखता गया, सूखता गया, पूरा पानी सूख गया। जब पानी सूख जाता है ना, पानी पूरा सूख गया तो जो गरी में गीलापन है, गरी में जो पानी है वो सूखना आरंभ होता है। और गरी का पानी, गरी का गीलापन जितना कम होता जाएगा, नारियल छिलके से खतोली से अलग होता चला जाएगा, जितना ही सूखेगा उतना अलग होगा। और सूखते सूखते जब पानी पूरा हो गया, एकदम पूरा सूख गया, तब वो नारियल का गोला छूट करके अलग हो गया,
है उसी के भीतर, लेकिन वो बिल्कुल अलग हो गया। अब हम सूखे नारों को जब तोड़ते हैं ना, तो गोला में कहीं चिपकने को एकदम बिल्कुल दाग, तो वो गोला नारियल में था या नारियल से बाहर था, कि कहाँ था, वो उसी के भीतर था लेकिन कहीं चिपका नहीं हुआ था, खल 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 आया था, हिलाओ तो इधर से उधर होता रहता था, हिलाने से था उसी के भीतर, लेकिन चिपका हुआ बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एकदम सूख गया है। और कच्चा नारियल को तोड़ो तब उसी घड़ी हिलाओ डाल तो पानी है तो आवाज़ आएगी, अब पानी नहीं है तो आवाज़ कुछ नहीं आएगी, क्योंकि वो जो नारियल है चिपका हुआ है उसी में। और होता क्या है फिर, जब कच्चे नारियल को हम तोड़ते हैं तब उसकी जो गरी है छिलके से चिपकी हुई निकलती है, साबुत नहीं निकल पाती जल्दी। छिलके से अलग करने के लिए हम हथिया का, चाकू का, गिलास का प्रयोग करते हैं, उन वो जो गरी है टूट टूट करके निकलती है, साबुत नहीं निकल पाते। और जो सूखे नारियल को जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, साबुत निकल गया। तो ये प्रश्न यह है, सूखे नारियल को जब तोड़ा है तो तोड़ने के बाद साबुत रहा है क्या, तोड़ने के पहले साबुत रहा है? वो सीधी बात है, तोड़ने के पहले भी साबुत था, तोड़ने के बाद भी साबुत निकला। ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन मुंह में रहता है, मुंह का पानी रहता है, तो शरीर से चिपका हुआ होता है, इसलिए सदैव हमें मौत का भय रहता है, ये कम ना हो, वो कम ना हो, ये ना छूटे, वो ना छूटे, चिपकाहट है। और चिपके चिपके जब शरीर छूटेगा ना, तो टूट करके रो रो करके, जैसे कच्चे नारियल का थोड़ा पानी है ना, तो पानी साथ निकल जाता है, ऐसे ही जिसका मन चिपका होगा ना, वो रोते रोते दुनिया छोड़ता है, क्योंकि चिपका है, छोड़ना नहीं चाहता मन, तो शरीर में है तो बंधन में है, शरीर से अलग हुआ तो बंधन में है। लेकिन जो सूखे ना, कहाँ सुखाया वो नारियल, नारियल सोचे, नारियल के अंदर जो गरी है वो सोचे, इस नारियल से मैं अलग हो जाती हूँ तो अलग सूख जाऊंगी, तो खराब हो जाएगी, सड़ कर बेकार, उसी के भीतर रहना है, और उसी के भीतर रह करके सुखाना है, सुखना है उसको। ऐसे ही घर में रहते रहते, शरीर में रहते रहते, शरीर नहीं छोड़ना है, शरीर का मोह छोड़ना है। और कोई घर में रहते रहते शरीर का मोह छोड़ दिया ना, और शरीर का मुंह छूटा तो सबका मुंह छूट गया, तो घर में रहते रहते भी वो स्वरूप लीन है, घर में रहते रहते भी जीवन मुक्त है, साधु तो जीवन मुक्त है। और कोई साधु हो गया, साधु तो हुआ, साधु का कपड़ा तो है, लेकिन मोह नहीं छूटा है, तो साधु आश्रम में रहकर भी वो स्वरूप लीन आत्मलीन नहीं हो सकता, आश्रम क्या करेगा, आश्रम एक व्यवस्था है, एक वातावरण है साधना करने के लिए, लेकिन मन ही साधना करने का नहीं है, मन ही मोह में पड़ा हुआ है। यहां जाएंगे ज्यादा पूजा मिलेगी, अमुक भगत बड़े प्रेमी है, वहां जाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाएगा, हमें बहुत सम्मान करेगा, तो सम्मान का मोह है, पैसे का मोह है, पूजापा का मोह है, मोह तो मोह है कहीं भी हो। तो बाधा शरीर नहीं है, बाधा शरीर का मोह है, बाधा संसार नहीं है, बाधा संसार का मोह है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, शरीर का मोह छोड़ दो फिर कहीं बाधा नहीं। लल्ला कश्मीर की साधिका थी, लल्लेश्वरी से कहा जाता है, लल्लेश्वरी लल्द्यद बोलचाल में कहा जाता है लल्ला, लेकिन साहित्य में आता है
ललद्यद या लल्लेश्वरी निर्वस्त्र रहती थी जवानी की अवस्था में, साधिका उच्च कोटि की साधिका थी, बिल्कुल निर्वस्त्र, बड़े बड़े लोग उसके सामने सम्मान करते थे। नागम्मा कर्नाटक की साधिका थी, एक राजा से शादी हुई थी छोटी उम्र में, अत्यंत सुंदरी थी, लेकिन राजा अत्यंत लंपट उब गई, वो छोड़ना है। फिर किसी बात में विवाद हुआ, राजा ने कहा कुछ ऐसे छोड़ने जाने बात, राजा ने कहा ये जो जितने गहने पहने हो ना, ये तो मेरा दिया हुआ है, इसको लेकर कहाँ जाओगे, वहीं सामने उतार दिया। राजा ने कहा ये साड़ी पहनी, अभी तो मेरे कपड़े हैं, राजा सामने साड़ी उतार दे रख दी, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के। बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे रहते थे, नागम्मा पहुंचती थी तो साधु लोग खड़े हो जाते, बड़े बड़े महात्मा लोग खड़े हो जाते थे उनके सम्मान में। 38 साल की उम्र में शरीर छूटा उनका, लेकिन एकदम निर्वस्त्र होते हुए भी कोई वासना नहीं उसके मन में। तो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो सकता है, कितनी साधिकाएं रही हैं जो बिल्कुल निर्वस्त्र रहती थी, शरीर का मोह ही छोड़ दिया है, तो चाहे कपड़ा, यदि मोह है तो कपड़ा पहनो तो वासना है, न पहनो तो वासना है। अब हम सामाजिक मर्यादा में रहते इसलिए हमें कपड़ा पहनना पड़ता है, लेकिन कपड़ा बंधन थोड़े न तो कपड़ा मुक्ति देगा न कपड़ा बंधन देगा। वासना कहो मोह कहो कुछ भी कहे, ये बंधन का कारण होता है। तो खास बात यह है, कोई भी जीवन मुक्त पुरुष संत हो, वे शरीर में रहते रहते स्वरूप लीन हो रहते हैं। शरीर से जैसे नारियल का गोला भीतर रहते हुए भी नहीं के समान है। चिया जानते हैं आप, चिया इमली का बीज है, उसी भीतर में बेदाग, इमली का बीज निकालो एकदम बेदाग है, उसी के बीज में पक्का पका हुआ है। शरीर पके या ना पके भैया, मन को पकाना है। जिसने मन को पका लिया पूरी तरह से, कोई हो किस साधना से चलता है क्या मानता है अलग बात, बस अपने स्वरूप का सही ज्ञान हो, निर्भ्रांत ज्ञान, मैं शुद्ध चेतन हूं, अंश अंशी कार्य कारण व्यापक व्यापक भाव से रहित, अपने आप में पूर्ण शुद्ध निर्मल निर्विकार चेतन हूं, ये बोध हो, और इस बोध के पश्चात शरीर से लेकर संसार तक जो कुछ दिखाई पड़ता है सबके मोह का त्याग हो, तो चाहे जवानी अवस्था है कि बुढ़ापा अवस्था है, हर समय स्वरूप में वो लीन है। लेकिन शरीर में रहते रहते हैं, कहा मैंने कि उसके लिए स्वरूप लीन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, शरीर छूटने के पश्चात ही स्वरूप लीन, आत्मलीन, ब्रह्मलीन, भगवत लीन, सतलोकवासी, ये तमाम शब्द का प्रयोग है। कहा जाता है गुरु की विशेषता में, कबीर साहब की विशेषता में कहा जाता है, सतरत हत कामी विगत कलेश सत धामी, ये आरती लोग गाते हैं कबीरपंथी कबीर परंपरा में, वहां पर कबीर साहब आरती गाते, उसमें कहा जाता है सतरत हत कामी विगत कलेश सत धामी, एक पंक्ति इसमें। कबीर साहब कैसे थे या जो सच्चे जीवन मुक्त हो लोग वो होते कैसे हैं, वो सतरत, सत्य में रत, सत्य में लीन, तो सत्य में लीन कैसे हुए, हत कामी, जिन्होंने सारी कामनाओं का हत अर्थात नाश कर दिया है वो सत्य में रत होगा। बस ये आधी पंक्ति पर्याप्त है, सतरत हत कामी, जिनकी सारी कामनाएं मिट चुकी है वो सत्य में रत हो गया, सत्य में लीन हो गया।
किस उम्र में है, किस शरीर में है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हतकामी होना की आवश्यकता है। जो हतकामी हो जाएगा वो आत्मरत हो जाएगा, ब्रह्मरत हो जाएगा, स्वरूप रत हो जाएगा, सतरत हो जाएगा, कुछ भी रत कह लो उसके लिए सब बराबर है। शर्त है हतकामी होना। हत मतलब मिट जाना, मर जाना, खत्म हो जाना। कामी मतलब कामना, या वैसे कामी शब्द कामना वाले के लिए होता, व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन यहां अर्थ है सार कामना। तो जब सारी कामनाएं मिट गई तो सत में लीन हो गया, परिणाम क्या हुआ, विगत कलेश, फिर सारे कलेशों से मुक्त, सारे कलेश समाप्त हो गए उसके। जब तक मन में कामना है तब तक क्लेश समाप्त नहीं होगा, पीड़ा समाप्त नहीं होगी। पीड़ा का मूल कारण है, चाहे उसे कामना कहो चाहे वासना कहो, बात यह। और ये जो वासना है कामना, उसे संतों ने गुरुजनों ने तीन भाग में बांटा है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। पुत्रेषणा पुत्र की ऐषणा, गृहस्थों में पुत्र की ऐषणा होती है, संतान। वित्तेषणा वित्त की ऐषणा होती है कि पैसा हमारे पास बढ़े। और लोकेषणा, ये लोकेषणा साधुओं के लिए, विरक्तों के लिए, जो घर से त्याग दें। लोकेषणा लोक की ऐषणा अर्थात सम्मान की ऐषणा। तो ऐषणा तो ऐषणा है। हाथ में लोहे की हथकड़ी है कि सोने की हथकड़ी है, स्वतंत्र कौन है दोनों में? एक आदमी के हाथ में लोहे की हथकड़ी है, एक आदमी के हाथ में सोने की हथकड़ी है, दोनों में स्वतंत्र कौन है? कौन दोनों में बंधन में कौन है और दोनों में स्वतंत्र कौन है, किस है, मैं बताओ? हथकड़ी तो हथकड़ी है। ऐसे ही वासना चाहे स्त्री की हो, चाहे पुत्र की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे वासना गद्दी मानती हो, सम्मान की हो, वासना तो वासना है। वासना मतलब कामना। तो सतरत हतकामी, जिसकी सारी कामनाएं मिट गई है, वो सत में लीन हो गया। और जब सत में लीन हो गया तो विगत कलेश हो गया, सारी क्लेश उसके मिट गए। तो ये क्लेश कब मिटे? शरीर से छूटने के पश्चात या शरीर में रहते रहते? सारी कामनाओं को छोड़ दे, शरीर में रहते रहते विगत क्लेश हो गया। और विगत क्लेश हुआ तो क्या हुआ? सतधामी, सत्य में निवास हो गया उसका। वो सत, उसे जीव कहो, आत्मा को, कोई भी शब्द का प्रयोग कर लो उसके लिए। तो जिसकी कामनाएं मिट चुकी है वो आज सत्य में लीन है और सत्य लोक में निवास हो रहा है। सतलोक कहीं बाहर नहीं है। कामनाएं मिटी, सतलोक में पहुंच गए, और सतलोक आपका आत्मा है, आपका होना है। वो आज होगा, अभी हो सकता है, इति क्षण हो सकता है। जब हमारे मन में कोई कामना ना, कुछ भी कामना ना हो, कामना छोड़कर भी काम किया जाता है। जितने संत हुए हैं गुरुजन, जिनको जो हमारे जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, वे सब ऐसे ही रहे। सदगुरु श्री काशी साहब के लिए कहा जाता है, उदाहरण कहा जाता नहीं है, जो जो जिन्होंने देखा वो बताए हैं, गुरुदेव जी ने लिखा लिखा भी है अन्य जगह। जब वो घर छोड़े तब तीन संतान उनकी थी। स्टेशन मास्टर थे अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में, महाराष्ट्र के स्टेशन में स्टेशन मास्टर थे। पता चला भरी जवानी में 35-36 साल की उम्र में तीन संतान थे, सब छोड़ दिए। अब इतना विरक्त हुए, इतने विरक्त हुए कि क्या कहना। उनको बुरहानपुर का महंत बनाया गया, लेकिन कोई मतलब नहीं है,
बस व्यवसा देखते थे। कहते हैं कि जब उनको महंत बना दिया गया, जब महंत हो गए तब भोजन करने बैठे, तब मिठाइयाँ और थाली एक कटोरी में घी आया, कहा का और कहा कि घी खाने के लिए महंत बना हूँ क्या, हटा दिए उसको, मतलब कहीं जोड़े नहीं, कुछ नहीं। और अंतिम समय में उनका वे उन्होंने अपने को सिर्फ इतना लिखा, काशीदास, हम लोग सदगुरु काशीदास साहब कहते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा काशीदास एक कैरपंथी साधु, बस न महंत लिखा अपने को, न आचार्य लिखा, न गुरु लिखा, कुछ लिखा, बस एक कैरपंथी साधु, जीवन भर यही लिखते रहे, महावैराग्यवान। अंतिम समय था उधर उत्तर प्रदेश में, आज आगरा तरफ किसी भक्त बुलावे पर, जहां रहते थे वहां पर सुना कि कोई एक संत आए हैं, इतने स्वयं जीवन मुक्त पुरुष, लेकिन सुने कि अमुक जगह एक संत आए हैं, उनसे मिलने के लिए चले गए, मिलने जा रहे थे, साथ में एक साधु था, यमुना किनारे किनारे चल रहे थे। कह दिए थे देखो यदि कहीं मेरा शरीर छूट जाए तो कहीं वैसे गाड़ देना, कर जा रहे थे, चलते चलते प्यास लगी, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, साधु ने साधु पीठ को संभाला, कहा साहब दर्द हो रहा, कहा पानी ले आओ, वो पानी लेने यमुना में गए, जब तक आता तब शरीर छूट गया, यमुना में बहा दिए, पहले भी शरीर छोड़ चुके थे, वो रहते भी शरीर छोड़ गया, कहीं भी हो हतकामी होने की आवश्यकता है। प्रश्न ये पूछा गया था कि शरीर छूटने पर स्वरूप लीन हुए या शरीर छूटने के पहले, ऐसे जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं शरीर में रहते रहते स्वरूप लीन रहते हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग शरीर छूटने के पश्चात ही किया जाता है। और हमारे जो आदर्श पुरुष हुए हैं वो सब ऐसे रहे हैं, हमें भी उसी रास्ते पर चलना होगा, यदि पूरी शांति से कल्याण चाहिए तो, बस शर्त एक है, हतकामी होना, शरीर में रहते शरीर के मोह का त्याग कर देना, बस जीवन रहते रहते कल्याण हो सकता है। हुआ था अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम।